दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे और अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो चुका है और जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि यार हम काफी ज्यादा डिस्काउंट में इस सेल में आपको मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या प्राइस ड्रॉप हुए हैं कि नहीं, एक्चुअल में कहीं डिस्काउंट हुआ है कि नहीं, कि डिस्काउंट के नाम पर कहीं आपको ज्यादा दाम में तो मोबाइल नहीं भेज दिया जा रहा है, वो सब डाउट क्लियर होगा आपका इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्चुअल डिस्काउंट बताने वाला हूँ, किन स्मार्टफोन में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किन स्मार्टफोन में डिस्काउंट सेम है और किन स्मार्टफोन को उल्टा ज्यादा दाम में बेच दिया जाएगा आपको, अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में फ्लिपकार्ट पर जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं उनको बारी बारी डिस्कस करने वाला हूं कि उनके जो स्मार्टफोन है किन स्मार्टफोन में एक्चुअल में डिस्काउंट है, किनके प्राइस सेम है और किनके प्राइस उल्टा ज्यादा हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्टफोन की। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन में आपको सिर्फ दो स्मार्टफोन में मेनली डिस्काउंट दिया जा रहा है, बाकी स्मार्टफोन के प्राइस या तो पिछले सेल के बराबर है या तो फिर कुछ के तो दाम बढ़ भी गए हैं। फिलहाल जिन दो स्मार्टफोन में डिस्काउंट है वो है इन्फिनिक्स का नोट 40X। इस स्मार्टफोन पिछले सेल में 13,500 में इसका बेस वेरिएंट बिका था, अब वो आपको 13,000 रुपए में ही मिलने वाला है। वहीं बात करें नोट 40 प्रो की तो आपको 16,000 में पिछला जो है सेल में गया था बेस वेरिएंट, अब वो आपको 15,000 मिल रहा है। तो मेनली इन्हीं दो स्मार्टफोन में आपको डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है इन्फिनिक्स के तरफ से। बाकी स्मार्टफोन की बाकी प्राइस सेम है तो आप वेट कर सकते हैं दिवाली सेल का, तब उनके प्राइस ड्रॉप हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोटोरोला ब्रांड की। तो मोटोरोला ब्रांड की तरफ से 4 स्मार्टफोन में ही डिस्काउंट दिया गया है, बाकी स्मार्टफोन की या तो प्राइस सेम है या तो फिर कुछ प्राइस ज्यादा है। मोटोरोला का G64 का जो 12 GB वाला वेरियंट है वो पिछले सेल में 15,000 के आसपास बिका था, इस सेल में आपको मात्र 14,000 रुपए में वो मिल जाएगा विद ऑफर एंड डिस्काउंट। सेम है जो मोटोरोला का G85 है वो 17,000 रुपए में बिक रहा था, वो आपको 16,000 रुपए में मिल जाएगा। तो इन दो स्मार्टफोन में मेजर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। वही बात करें मोटोरोला के एज सीरीज की, तो इसमें दो स्मार्टफोन में आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसका जो एज 50 है वो 26,000 में आपको मिल रहा था, जो इस सेल में आपको 25 का मिलने वाला है, और जो मोटोरोला एज 50 फ्यूजन है वो आपको 21,000 रुपए में पिछले सेल मिल रहा था, इस सेल में भी ऑफर एंड डिस्काउंट आपको 20,000 रुपए में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेनली 4 ही डिस्काउंट किए गए हैं स्मार्टफोन में मोटोरोला की तरफ से, बाकी सारे स्मार्टफोन की प्राइस या तो सेम है या तो फिर उल्टा बढ़ा दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नथिंग की स्मार्टफोन की। नथिंग का जितने भी स्मार्टफोन है उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, वो भी पूरे 2,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। नथिंग का जो सेम फोन 1 है जो 15,000 रुपए में लास्ट सेल में बिक रहा था वो आपको 13,000 रुपए में ही मिलने वाला है। वही नथिंग का 2A वाला जो फोन है, नथिंग फोन 2A, वो आपको मात्र 19,000 रुपए मिल रहा है, जो पिछले सेल में 21,000 रुपए का मिल रहा था। सेम है जो नथिंग का 2A प्लस वाला जो स्मार्टफोन है वो आपको 26,000 रुपए में मिल रहा था, जो आपको इस सेल में 24,000 रुपए में मिलने वाला है। तो इस तरीके से नथिंग अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है अपने सारे स्मार्टफोन में इस सेल में। बात कर लेते हैं ओप्पो की। तो ओप्पो में आपको K12X जो कि आपको 12,000 रुपए में मिल रहा था पिछले सेल में, इस सेल में आपको मात्र 11,000 रुपए मिलने वाला है। और F20 प्रो जो वेरियंट है वो 22,000 रुपए मिल रहा था, वो आपको 19,000 रुपए मिलने वाला है। प्लस ओप्पो F27 प्रो प्लस जो वेरियंट है वो आपको 26,000 रुपए मिल रहा था, वो आपको 25,200 रुपए में मिलने वाला है। तो इस तरीके से ओप्पो में सिर्फ 3 स्मार्टफोन में आपको मेनली डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है, बाकी स्मार्टफोन में सेम प्राइस है या तो फिर प्राइस हाइक कर दिए गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोको स्मार्टफोन्स की। तो पोको में जितने भी स्मार्टफोन आपके लिस्टेड है सभी स्मार्टफोन में डिस्काउंट दिया गया है, कोई एक भी स्मार्टफोन इसमें छोड़ा नहीं गया है। इसमें जितने भी आपको सेल में दिखने वाले हैं वो सभी अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको मिलने वाले हैं। पोको M6 जो है आपको 8,300 रुपये मिल रहा था, वो 7,500 रुपये में आपको मिलने वाला है। पोको M6 प्लस जो आपको 12,000 रुपये में मिल रहा था वो मात्र 10,500 रुपये में आपको मिलने वाला है। पोको X6 नियो जो आपको 13,500 रुपये मिल रहा था वो मात्र 12,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। पोको X6 5G स्मार्टफोन जो आपको 17,000 रुपये मिल रहा था वो आपको मात्र 15,000 रुपये में ही मिलने वाला है। पोको X6 प्रो जो आपको 23,000 रुपये मिल रहा था वो आपको 19,000 रुपये मिलने वाला है। और पोको F6 जो आपको 26,000 रुपये मिल रहा था वो मात्र 22,000 रुपये मिल जाएगा। यानी सबसे अच्छा डिस्काउंट इस पूरे बिग बिलियन डे सेल में आपको पोको प्रोवाइड करने वाला है। अब बात कर लेते हैं रेडमी और सोमी स्मार्टफोन्स की। तो रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी 13 5G, ये स्मार्टफोन आपको 13,000 रुपये मिल रहा था, वो 500 रुपये डिस्काउंट के साथ 12,500 रुपये में आपको मिलने वाला है। प्लस जो रेडमी 12 है वो आपको 8,500 रुपये मिल रहा था, वो आपको 8,100 रुपये मिलेगा। सोमी की तरफ से आने वाला सोमी 14 जो है वो आपको 40,000 रुपये मिल रहा था, वो आपको 38,000 रुपये मिलेगा। तो इन्हीं 3 स्मार्टफोन में रेडमी की तरफ से आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, बाकी सारे स्मार्टफोन के प्राइस या तो पिछले सेल के बराबर है या तो कुछ के प्राइस हाई कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल्स की। तो गूगल पिक्सल्स में जितने भी 9 सीरीज के पिक्सल्स हैं उन सब के प्राइस तो ड्रॉप हुए हैं, 7 और 8 वालों में कुछ यहाँ पर प्राइस किसी में हाई कर दिया है, किसी में डिस्काउंट कर दिया गया है। Google Pixel 7 का प्राइस हाई कर दिया गया है, 7A का प्राइस घटा दिया गया है। 7A आपको 26,000 रुपए मिल जाएगा, जो 29,000 रुपए में मिला करता था। यहाँ पर Google Pixel 8 और 8 Pro में डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन 8A में प्राइस बढ़ा दिया गया है। तो रियलमी की तरफ से आने वाले जितने भी स्मार्टफोन है उसमें सिर्फ 3 स्मार्टफोन में आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जो रियलमी P1 है वो आपको 15,000 रुपये मिल रहा था, वो आपको 13,000 रुपये मिलने वाला है। वही रियलमी C63 4G स्मार्टफोन जो आपको 9,000 रुपये मिल रहा था वो 8,000 रुपये मिलने वाला है। और C61 जो आपको 8,100 रुपये मिल रहा था वो आपको 7,700 रुपये मिलने वाला है। बाकी जितने भी स्मार्टफोन है ये तो पिछले सेल के इक्विवेलेंट प्राइस में है या फिर कुछ के तो प्राइस बढ़ा दिए गए, जैसे रियलमी 13 प्रो आपको प्राइस उल्टा हाई कर दिया गया पिछले सेल के मुकाबले। तो रियलमी के बाकी स्मार्टफोन खरीदने से पहले आप वेट कर सकते हैं दिवाली सेल का। क्योंकि दोस्तों सैमसंग की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन में आपको 4 स्मार्टफोन में
एक्चुअली डिस्काउंट दिखा रहा है फ्लिपकार्ट पर, और इन चारों स्मार्टफोन में एक्चुअली डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। मतलब S23 पर जो डिस्काउंट है या फिर S24 पर जो डिस्काउंट है, ये सारे डिस्काउंट वैलिड डिस्काउंट है जो अभी तक के लोएस्ट प्राइस है इन स्मार्टफोन्स में। तो आप इनको आराम से परचेस कर सकते हैं अगर आप ये प्रायोरिटी रखते हैं इनको परचेस करना। लोगों तरफ से आने वाले स्मार्टफोन T3 Lite और T3X, इन तीनों स्मार्टफोन में आपको एक्चुअली डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो डिस्काउंट अभी मिल रहा है वो आपको लोएस्ट प्राइस है स्मार्टफोन का, तो अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो ये भी अच्छा बाय रहेगा। बाकी इनके अलावा जितने भी स्मार्टफोन है वीवो के, उन सबके प्राइस तो सेम है या तो कुछ के हाई भी कर दिए गए हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको लिस्ट आउट करके बता दिया कि जितने भी स्मार्टफोन है उनके स्मार्टफोन ब्रांड में कितने कितने स्मार्टफोन है, किन किन में एक्चुअली प्राइस डिस्काउंट है। तो अगर आप इन लिस्टेड स्मार्टफोन्स को बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर कुछ ऐसे स्मार्टफोन जिनके बारे में नहीं बताया, जिनके प्राइस ड्रॉप नहीं हुए हैं, उनके लिए आप दिवाली तक वेट कर सकते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे उनके प्राइस ड्रॉप होते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये पूरे डाटा इकट्ठा करके आपको अवेयर कराने के लिए प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।